काम कर रही है, जो कि नामंजूर है, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है। हम हाईएस्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, चैलेंज करेंगे हम इसको सुप्रीम कोर्ट। हर रोज जो है काले कानून हम पे नाफिज किए जा रहे हैं, हम इनको जो है रद्द करते हैं। हम इन चीज़ों के सरापा एहतजाज है। यह हक अगर है किसी का, यहाँ की असम्बली का हक है कि यहाँ के नए कानून बनाने का, यहाँ का अगर हक है कि फैसला करना है, वो लोगों का हक है कि लोग फैसला करें। हम किसी अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अक्रॉस द बोर्ड अगर अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर कितना अच्छा होता कि अगर बीजेपी सरकार से ये इसकी जो है पेशरफ्त होती, कि बीजेपी सरकार के जो मिनिस्टर साहिबान है, बाकी है, उनसे जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होती, फिर सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। हम समझते हैं ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। आपने 5 अगस्त 2019 को भी देखा, जब हमारे मिनिस्टर साहिबान बाकी लोगों को जो है जेलों में डाला गया, उसके बाद वो सुरखरू होकर बाहर आए। मैं समझता हूँ कि ये जो ये कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाना, कभी जो है शिया सनी को लड़ाना, कभी जो है यहाँ गुजर बकरवाल उनको लड़ाना, मैं समझता हूँ, और आज ये जो है डिक्टेटरशिप जो है, हर जो कानून जो है वो शाही फरमान दिल्ली से आता है। मैं समझता हूँ कि हम अगर इस मुल्क का हिस्सा है, ये एक स्टेट है, ये कोई किसी मुल्क पे इन्वेजन नहीं हो रहा है, तो आप जो है आईन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आईन हक देता है असम्बली का कि असम्बली मेंबर साहिबान जो लोग जो है वो नए कानून लाए स्टेट के लिए, तो ये हमारा हक है। हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। कभी जो है ईडी को यूज़ करना, कभी किसी और एजेंसी को यूज़ करना, कभी प्रेस के लोगों को सताना, कभी बिजनेसमैन्स को सताना, कभी पॉलिटिशियंस को सताना, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। यहाँ जो है अकाउंटेबिलिटी, हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो, हम चाहते हैं कि पीस विद डिग्निटी और ऑनर हो, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ नाइंसाफिया लोगों के साथ हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। इस पे ये प्रोटेस्ट था सर, जो स्टेट लाइन की मैंने आपको पहले ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो है पॉलिटिशियंस को जो है सताया गया, उन्हें जेलों में डाला गया। आज हम देख रहे हैं कि आम शहरी के घर, चाहे वो कुपवाड़ा में रहता है या हंदवाड़ा में रहता हो, उनके घर जिसके पास 5 मरला 10 मरला ज़मीन है, जो खुद अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, ये कौन सी जो है पीपल फ्रेंडली पॉलिसी है? ये जाबिराना है, ये जो है पॉलिसीज़ है, ये यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। इस पे जो है कोई इंसाफ की जो है बात कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो है स्टेट और फेडरेशन की इसमें दूरियाँ बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है बैकरोल होनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ जो है पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। ये हक अगर पॉलिटिकल लोगों का है, अगर ये हक यहाँ के लोगों का है कि यहाँ का मुस्तकबिल का फैसला करे वो लोग यहाँ करें, तो ये हक लोगों को। सर, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के निशाना तो नहीं साधा जा रहा? देखिए, ये हमने 5 अगस्त 2019 को भी देखा कि जब पॉलिटिशियंस को ये कहा गया कि वो चोर है, वो बाकी चीज़ें हैं, तो बंद करके उनको जो है अकाउंटेबल बनाया गया। वो सारे तो बाहर आए, उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट इन लोगों ही नहीं दी। तो मेरा ये मानना है कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। इस पे जो है आज आम इंसान पिस रहा है। आप देखिए, यहाँ अगर हम ये अगर वाकई ये यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम देखिए NHPC यहाँ से 2 रुपया जो है जो नॉर्दर्न ग्रिड है उस पर जो है पर यूनिट पावर जाता है, और वहाँ से हमें 12 रुपया यूनिट मिलता है, तो उस पर जो है नज़रसानी होनी चाहिए थी। इतना जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है महंगी मिल रही है, और उनको मिल रही है कि जिनका जो है यहाँ पानी है, जिनको सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो फ़ायदा होना चाहिए, और हम पिस रहे हैं। यहाँ एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। आप देखिए यहाँ नाइंसाफिया कितनी ज़्यादा है। हमारे बच्चे जो है उनके साथ नाइंसाफिया हो रही है, पॉलिटिशियंस के साथ नाइंसाफिया हो रही है, यहाँ की हर एक तबके के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें